एचपीसी पर दस मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर एचपीसी के अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रसन्नता जाहिर की है। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस काम के लिए एचपीसी का पीठ थपथपानी चाहिए थी, उस काम के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार ने एचपीसी का गला दबाने का काम किया था। वहीं केस रद्द होने के बाद एचपीसी द्वारा जवाब में कानूनी कार्यवाही से अनुराग ने साफ इनकार कर दिया है। अनुराग ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय हम खेलों को आगे लेकर जाने की दिशा में काम करेंगे। लोकसभा के मुख्य संचेतक एवं एचपीसी अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने ऊना में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम द्वारा आयोजित सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलवीर चौधरी, विधायक राजेश ठाकुर और उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एचपीसी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने को सत्य की जीत बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा रहा है, पराजित नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एचपीसीए ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाकर विश्व भर में हिमाचल का नाम रोशन किया है। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पीठ थपथपाने की बजाय गला दबाने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा ऐसे मामले दर्ज करने के कारण सरकार, जनता और क्रिकेट संघ को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जवाबी कानूनी कार्यवाही करने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कोई भी कार्रवाई से इनकार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम पैसे और समय की बर्बादी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एचपीसी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का नाम क्रिकेट स्टेडियम के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचा। सरकार ने जमीन दी थी और वो भी एक पहाड़नुमा जमीन, जिस पर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम सबसे कम दाम में बनाकर तैयार किया गया। धर्मशाला की अर्थव्यवस्था में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन राजनीतिक कारणों से जिस तरह से पूर्व की कांग्रेस सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, सरकार के भी करोड़ों रुपए बर्बाद किए और क्रिकेट संघ के भी, जिस बात के लिए सम्मानित करना था उसके लिए सरकार ने समन तक भिजवाने का काम किया, जिसके लिए पीठ थपथपानी चाहिए थी वहां गला दबाने का काम किया गया। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। मुकदमों में कितने वर्ष बीत गए, इसमें नुकसान हुआ तो प्रदेश के खिलाड़ियों का, प्रदेश के विकास का, आम जनमानस का। कांग्रेस तो सत्ता से बाहर है, लेकिन उनका क्या, जो युवा जिनके लिए वो सुविधाएं बनी थी उनको प्रताड़ित करने का काम पिछले 5 वर्षों में भी और उससे पिछले 5 वर्षों में भी कांग्रेस करती रही। ये खेल को बढ़ाने का नहीं, खेल को दबाने का सदा काम करती रही। हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम खेल को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।